العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا نوح قد جادلتنا خاصمتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا به من العذاب إن كنت من الصادقين فيه قال إنما يأتيكم به الله إن شاء إن شاء تعجيله لكم فإن أمره إلي لا إلي وما أنتم بمعجزين بفائتين الله ولا ينفعكم نسي إن أردت أن أنصى لكم أن أنصى لكم إن كان الله يريد أن يغويكم أي إغواءكم وجواب الشرط دل عليه ولا ينفعكم نسي هو ربكم وإليه ترجعون قال تعالى أم بل يقولون أي كفار مكة افتراه اختلق محمد القرآن قل إن افتريته فعلي إجرامي أي عقوبته وأنا بريء مما تجرمون من إجرامكم في نسبة الافتراء إلي وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا إلا من قد آمن قد آمن فلا تبتئس تحزن بما كانوا يفعلون من الشرك فدعا عليهم بقوله رب لا تزر إلى آخر الآية فأجاب الله دعاء فأجاب الله تعالى دعاءه وقال واصنع الفلك السفينة بأعيننا بمرأ منا زنا

झगड़ा करना अक्सर था वाह मुजर हाजिर कसरत अख्तियार करना ज्यादा करना फ़ातना यहाँ पर फा जवाब शर्त मुकद्दर पर रब्त के लिए है अम्र है वाहिद मुजक्कर हाजिर और ना भी ही है तईद वो ना तयद फेले मुजार वाहिद मुजक्कर हाजिर और ना जमीर मफूल भी ही है वाहद याद वादन जरा बजरब से धमकी देना वादा करना नुसुन के माने नसीहत यह मुजाफ है या मतकल मुजाफिल है नसीहत वाज आगवी है गुम अनमदरिया है यववी फे मुजार वाहिद मुजक्र गायब है अगवा युवी अगवा बब फाल से बहकाना गुमराह करना इजराम इजरामी इजराम मुजाफ यह आयतली मुजाफिल है ये मजदर है बा फाल से जुर्म करना बड़ी उम्र सिफत का सेगा है बेआब अलग थलग बरी उसमा जमा बुरा और अबरा आती है ओहया फेले माजी मजहूल बाबी फाल से वही करना ला तब तय ये फेले नहीं वाहिद मजक्र हाजिर है बाबी इफ्तियाल से गमगीन होना दिलगीर होना वसना फेले अमर वाद मजक्र हाजिर बा फतेहतो से मजदर सुनान बनाना करना आय आयुन आन की जमा है आँख के मान में और ना ज़मीर मतकली है यह हिफाजत और रोयत से किनाया नाया है क्योंकि सबब रोयत और हिफाजत, तो खातिब नहीं लातब तो फिले नहीं है बब मफालत खातब खातिब खिताब करना मुखातब बनाना नू वक़ाए का है या मतकली मजाफिल है या मतकली मफूल भी ही है मुक्रकून ये इसमें मफूल का सेगा है जमा मुजक्र का सेगा है बाबी फाल से मजदरी ग्राक आता है डुबो देना तर्जमा देखिए और कौमू ने कहा कि ए नू तहकी के तुमने हमसे जिदाल किया है हमसे से झगड़ा किया है तो हमारे जिदाल को तुमने बहुत ज़्यादा कर दिया यानी कसरत से जिदाल किया तो तुम हमारे पास वो अजाब ले आओ जिसकी तुम हमको धमकी दे रहे हो अगर तुम सच्चों में से हो वादे में हज़रत नू आलाम ने कहा कि बेशक उसको अल्लाह तबाता ही लाएगा अगर उसको जल्दी लाना चाहे तुम्हारे लिए क्योंकि उसका मामला उसी ना के हवाले है न कि मेरे हवाले और तुम अल्लाह ताला को आज़ीज़ नहीं कर सकते यानी अल्लाह ताला के अजाब से फिर इख्तियार नहीं कर सकते और मेरी नसीहत तुमको फ़ायदा नहीं देगी अगर मैं तुमको नसीहत करना चाहूँ अगर अल्लाह तबाता तुमको गुमराह करना चाहे और शर्त अव्वल का जवाब पर दलालत करता है अल्लाह का कौल वलाय गुम वही तुम्हारा रब है और उसी की तरफ तुम सबको तुम सबको लौट कर जाना है अल्लाह तबात ने फरमाया बल्कि वो लोग यानि कुफ़ार मक्का कहते हैं कि उसको घर लिया है यानि मोहम्मद वसल्लम ने क़ुरान को घर लिया है आप कह दीजिए अगर मैंने उसको घर लिया है तो मेरे जुर्म की सज़ा मुझको होगी और मैं तुम्हारे जुर्म करने से बड़ी हूँ यानी तुम्हारा जुर्म करना मेरी तरफ इफ्तरा की नस्बत करने के सिलसिले में तुम्हारा जुर्म करना इसे मैं बरी हूँ बेजार हूँ। और नूह की तरफ वही की गई कि आपकी कौम में से अब कोई ईमान लाने वाले नहीं हैं सिवाय उन्हीं लोगों के जो अब तक ईमान ला चुके लिहाजा उनके बुरे अमल पर जिसको वो कर रहे हैं यानी शिरक वग़ैरह उस पर गम न कीजिए तो हज़रत सलाम ने उनके लिए बद किया अपने क़ौल रब बिला तजर कह करके तो अल्लाह तबात ने उनकी दुआ को कबूल फरमाया और कहा कि कश्ती बनाना शुरू कर दो हमारी निगरानी में और हमारी हिफाजत में और हमारी वही और हुम के मुताबिक और जालिमों के बारे में मुझको सफ़ारश के लिए ख़िता मत करना बेतर जालिमों यानी जिन लोगों ने कुफर किया उनके हिलाकत को खत छोड़ कर छोड़ने के ज़रिए यानी अदम हिलाकत की सफ़ारश मत करना क्योंकि बेशक वो लोग गर्क कर दिए गए यानी उनके हक़ हाँ में गर्क कर दिया जाना मुकद्दर हो चुका है लिहाजा वो अब गर्क कर दिए जाएंगे माँकबल की आयत में हज़रत नू आम की तरफ से उनकी कौम के शुभ का काफ़ी और शाफी जवाब ज़िक्र किया गया था आगे ये फरमाए बयान फरमाया जा रहा है कि नू आम की कौम की तरफ़ से नू सलाम का कोई जवाब न बन पड़ा यानि कौम लाजवाब होकर रह गई तो आज ही जाकर कहने लगी अब सवालों जवाब का सिलसिला बंद करो बहुत हो गया सदियां बीत गई जिदाल करते करते मुबास और मुनाजरा करते करते अब हम आपसे यही गुजारिश कर रहे हैं कि अगर आप सच्चे नबी हैं तो जिस अजाब की आप हमें धमकियां दे रहे हैं वो अजाब फौरन ले आएँ, ताकि ये रोज़ रोज़ का झगड़ा बिल्कुल ख़त्म हो जाए चुनान जो फरमाया जा रहा है कलू या नूह कद्जा दल तना खासम तना फ अक्सर तजिदना फातिना बि मा तीद नाबी मिनल अजाब इन गुन तमिन नफी कि उन लोगों ने कहा कि ए नू तहक़ी के आपने हमसे जदाल किया यानी झगड़ा किया और बहस वमबाशा किया ये बहुत हो गया लिहाजा हमको आप जिस अजाब की धमकी दे रहे हैं अगर आप सच्चे हैं अपने वादे में तो वो अजाब लाकर दिखा दीजिए यहाँ पर बैमान तयद होना के बाद भी ही लाकर मुफसर आल् ने इस बात की तरफ इशारा फरमाया है कि माँ मौसूला है जिसका आयद महजूफ़ है और ये भी मुमकिन है कि माँ मजदरिया हो और माँ ना हो बेवादी का ईयाना और मेहनत सदकिन के बाद जो फीहे है उसकी ज़मीर अलवाद की तरफ राजे है जो अलवाद तयद ना से समझ में आ रहा है ए आगे, आगे फरमाया गया कौल इन नमा बेफाय बे बे सलाम ने जवाब में फ़रमाया कि बेशक वो अजाब अल्लाह ही ला सकता है अगर उसको तुम्हारे वास्ते जल्दी लाना चाहे क्योंकि इस अजाब का मामला उसी के हवाले है न के मेरे हवाले और तुम अल्लाह को आजिज़ नहीं कर सकते कि अल्लाह के अजाब से भाग जाओ मतलब ये है कि जिस अजाब को तुम तलब कर रहे हो फ़ातिना बेमा बेमा तय ना कहकर वो हमारे हाथ में नहीं है बल्कि वो तो अल्लाह के कब्ज़ कुदरत में है जिस वक्त वो तो अपनी हमत के मुआफ़ चाहेगा अजाब नाजिल कर देगा हमारा काम तो सिर्फ़ ये है कि हम उस पर आगाह कर दें चुनान जी हमने आगाह कर दिया बाकी वो अजाब है बहुत हौलनाक चीज़ उसके आने के बाद उसको दफ़ा करना इंसानी ताकत से बाहर होगा और जब उसके आने के बारे में अल्लाह की मशीयत होगी तो वो अजाब आ जाएगा फिर उसे निजात के लिए कहीं पर भागकर पनाह नहीं ले सकोगे किसी के बस में नहीं कि अल्लाह को थका कर आजिज़ कर दे आगे फरमाया जा रहा है कि वला फ़ोकुम नसी इन आरतकुम ولا जवाब फ़ोक्कुम नसीही वबुम तुर्जन कि अगर मैं तुमको नसीहत करना चाहूँगा तो भी मेरी नसीहत तुमको फ़ायदा नहीं देगी अगर अल्लाह तुमको गुमराह करना चाहे और इस शर्त के जवाब पर वाला फ़ोन नुहित दलालत करता है और वही तुम्हारा रब है और उसी की तरफ तुम सबको लौट कर जाना है यहाँ पर इन अरत तो शर्त अल है और इन कान अल्लाह ये शर्त सानी है तो पहली शर्त का जवाब महजूफ़ है या जिस पर लायन फ़ोकुम नजही दलालत कर रहा है और लाए अनफोकुम नुसी को उसका जवाब नहीं बना सकते क्योंकि बिसरीन के नज़दीक शर्त पर जवाब शर्त को मुकदम नहीं कर सकते अगर कोफीन ने जायज़ करार दिया है तो तकदीर इबारत यूं हो जाएगी लायन फोकुम नुसीह इन अरत तो अन अन सहल कुम लायन फोकुम नुसी और आगे जो है इनका नल्लाहु युरीदु अन युवियकुम इसका जवाब पहली शर्त अल जवाब है पहली शर्त अपने जवाब के साथ इस दूसरी शर्त का जवाब है यानी दूसरी शर्त के जवाब पर वो दलालत कर रहा है असल इबारत है इनका लकुम अरतुम लाफोक नसीही मतलब यह है कि तुम कुफ्र भी कर रहे हो और बड़ी बेशर्मी से अजाब को जल्दी भी तलब कर रहे हो इस इस्तेजाल से तो पता यही लगता है कि खुदा ही को मंजूर है कि तुम हमेशा गुमराही में पड़े रहो फिर हलाक कर दिए जाओ तो जब तुम्हारी बदकिरदारी की वजह से अल्लाह को यही मंजूर है कि तुम गुमराही में दायमी तौर पर रहो तो मैं कितना भी नसीहत करके तुमको नफा पहुंचाना चाहूंगा कुछ भी नाफ़े और महसर न होगा तुम्हारा रब वही है जिसके मिल को तसरफ में हर चीज है जिसके साथ जो मामला करे, वो करके रहता है, कोई उसको रोक नहीं सकता सबको उसी की तरफ लौट कर जाना है मुफसर अल्लाह ने फरमाया व जवाब उस शरत वसी के शर्त अव्वल यानी इन अरतम का जवाब लाफाकुम नशी है जो महजूब है और इस पर शर्त से कबल वाला नुसी ही दलालत कर रहा है शर्त से कबल वाला जुमला लाई उस जवाब महजूब पर दलालत कर रहा है आगे फरमाई गला अम يقولون ए كفار अख्तला का मोहम्मद محمد क्रन कुल इन तरई तो इजरामी अकू बी नफ्तरा कि अल्लाह तबारक तला ने फरमाया कि बल्कि वो लोग कह रहे हैं यानी कुफ़ार मक्का कि आप सल्लाम ने क़ुरान को अपनी तरफ़ से घर लिया है तो आप जवाब में कह दें अगर मैं उसको अपनी तरफ से घर लिया होगा तो मेरे इस जुर्म की सजा मुझको मिलेगी और मैं तुम्हारे जुर्म करने से, यानी इफ्तरा की नस्बत मेरी तरफ करने के सिलसिले में तुम्हारे जुर्म करने से बेजार हूँ मुफसरीन की एक जमात का कहना है कि यह आयत करीमा हजरत नू अम के किस्सा का ततीमा और तकमेला है तो इस सूरत में आयत करीमा का मतलब ये होगा कि नू असम की कौम ने कहा जिन बातों को हजरत नाम अल्लाह की तरफ मंसूब करते हैं वो खुद उनका अपना बनाया हुआ का कलाम है ये अल्लाह की तरफ गलत मंसूब करते हैं <सथ> और बाज़ मुफ़सरीन ये कहते हैं कि ये गुफ्तु कुफ़ार मक् की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से थी कि कुफ़ार मक् आप सल्लल्लाहु अलैहि को क़ुरान के बारे में कहते थे कि तुमने तो खुद ही घर लिया है ये कुरान आप खुद बना लाए हैं और ख़ुदा की तरफ मंसूब कर देते हैं कि ये खुदा का कलाम है खुदा का कलाम है हालांकि ये खुदा का कलाम नहीं है चूंकि हजरत सलाम कोई किताब लेकर नहीं आए थे इसलिए उनकी कौम से ये बईद है कि हजरत नाम की आप तरफ इफ्तरा की नस्बत करे अलबत्त आपली व्म कुरान लेकर आए थे इसलिए कुफ़ार मक्का आपकी तरफ इफ्तराह क्रन की नस्बत करते थे लिहाजा राजे यही मालूम होता है कि यह आयत करीमा आप सल्लाम के मुतालिक है जिसको हजरत नाम के किस्से के दरमियान जुमला मतर्जा के तौर पर जिक्र किया गया है और मुफसर अमाम ने भी इसी को इख्तियार किया है चुनानचे फरमायाकुलना के बाद कुफार मक्का और आगे फरमायाफ्तराहों के बाद इख्तरा का मोहम्मदन अल्आना इससे पता चलता है कि इसी दूसरी सूरत को अख्तियार किया है चूंकि कौम के मुतालिक जितने सवाल तो का जिक्र है सारे सवाल सवालत तो जवाब कुफ़ार मक् के बारे में भी मजकूर हैं। इसी मुनासबत से कुफार मक् के कलाम को बतौर जुमला मोतरज़ा जिक्र कर दिया गया आगे फिर हजरत नाम का बाकी किस्सा क़स्ूर है चुनान जो फरमाया गया वो नहिन काम فلا تبتئس تهزن بما كانوا يفعلون من الشرك فدعا عليهم بقوله رب لا تزر الى اخره فاجاب الله دعاءه وقال وسنع الفلك السفينه باعيننا بمرأ منا وحفظنا ووهينا امرنا ولا تخاطبني في الذين زلموا كفروا بترك اهلاكهم انهم مغرقون كي حضرت نوح عليه السلام كي कि आपकी कौम में से कोई शख्स अब ईमान नहीं लाएगा सिवाय उन लोगों के जो अब तक ईमान ला चुके हैं लिहाजा जो कुछ अमल शिर वगैरह ये लोग कर रहे हैं, उस पर आप गम न करें। इस आयत करीमा में ये बतलाया गया कि आपकी कौम में से जिनको भी ईमान लाना था ला चुके अब कोई और शख्स ईमान कबूल नहीं करेगा क्योंकि उनके दिलों पर उनकी हट धर्मी और सरकसी की बिना पर उनके दिलों पर मुहर लग चुकी है लिहाजा ऐसी कौम जो अमल शिक्क वगैरह में मुसलसल मुबतला है और आइंदा भी इसी तरह रहेगी उसका आपको गम खाने की कोई ज़रूरत नहीं अल्लाह के इस फरमान के बाद हज़रत नूसम उनके ईमान से नाउमीद हो गए तब उनकी जुबान पर अपनी कौम के लिए बददुआ आई

जो हमारी वही और हुम के मुताबिक हो चुनानच रवायत से मालूम होता है कि हज़रत सलाम ने बज़रिए वही अल्लाह की वही से हजरत नाम को कश्ती बनाने की तमाम जरूरियात मुहैया फरमा कर बनाने का तरीका भी बता दिया चुनानच हज़रत नाम कश्ती तैयार की असमावी हिदायत के मुताबिक आगे फरमाया गया वाला तो खातिब ने कफ़रु बेतर के अहिला नहोर खुन यहाँ पर इन नहोम खून ये तालील के दर्जे में है माकबल वाले जुमला में कि उनको खिताब करने उनके बारे में खिताब करने से जो मना किया गया वजह उसकी यह है कि उनके बारे में डुबा डुबो दिया जाना और हिला कर दिया जाना मुकदर हो चुका है मतलब यह है कि उन जालिमों के बारे में उनके अदम हिलात हमसे मत करना क्योंकि अब वो सब लोग गर्क कर दिए जाएंगे कि हलाकत उनके लिए मुकदर हो चुकी है लिहाजा बवजे शफकत कहीं ऐसा न हो कि उनके बारे में आप सिफारिश करने लगे उनकी हिलात बिल्कुल अटल है टच से मस नहीं होगी वो सब के सब दिए जाएंगे تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله